भाई जब मैंने पहली बार ये रूम देखा है, मुझे इतना पसंद है इतना क्यूट लगा कि मैंने कहा यार ये तो ले लेते हैं ये तो बहुत बहुत मस्त है देखो तो सही भाई पीछे इतना क्यूट सा लग रहा है तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारे न्यू स्टूडियो से जो कि मैंने आपको लास्ट लोगों में दिखाया था कंप्लीट कि यहाँ पे क्या क्या है यहाँ पे सिटिंग वाला एरिया है किचन है रूम्स हैं डाइनिंग टेबल है मतलब सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड है तो ये मैंने अपने स्टूडियो के लिए लिया है और अपने गेस्ट के लिए लिया जो हमारे गेस्ट आते है, जो हैं जो मीटिंग होती है सब कुछ तो मम्मी को तो बहुत पसंद आया और आप लोगों को भी बहुत पसंद आया मैं कमेंट पढ़ रहा था तो थैंक यू सो मच गाइस और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना वाला फ्लोर इसके ऊपर जो फ्लोर है ना वो मेरा फ्लोर है जहाँ पे मैं अपना रूम और अपना स्टूडियो बनाने वाला हूँ तो वो इससे भी नेक्स्ट लेवल है तो आज कंप्लीट मैं आपको वीडियो में उसका टूर दूंगा तो कमेंट कर बताना कैसा लगेगा आपको और बस अगर आपने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा तो पहले वो देखना जो मैंने आपको नीचे का दिखाया ना पूरा तो वो पहले लास्ट ब्लॉग देखना उसके बाद फिर ये वाला ब्लॉग देखना तो मेरी चले ऊपर हाँ चल तो अभी आ चुके हैं ऊपर अपने फ्लोर पे चलते अंदर दिखाता हूँ चलो चलो चल। चल। तो जो स्टूडियो का मेरा फ्लोर है ना यहाँ पे लगे हुए हैं देखो प्यारे प्यारे ब्लैक कलर के सोफे यहाँ पे टेडी भी रखा हुआ है पिलो रखे हुए हैं और साथ में टेबल भी है गिटार भी पड़ा हुआ है ए भी लगा हुआ है यहाँ पे अलमीराज भी हैं तो वही जो स्टूडियो का ये वाला एरिया ना जो भी मेरे दोस्त वगैरह आते हैं या फिर मेरे को यूट्यूबर फ्रेंड आते हैं या फिर कोई भी जिससे मेरी मीटिंग हो पर्सनली या प्रोफेशनली तो वो मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ ये बैठ के मस्त बातें कर सकते हैं चिल कर सकते हैं तो यहाँ मस्त बैठ के हम बातें कर सकते हैं फैमिली को अकॉर्ड भी लगेगा और काफ़ी मस्त एरिया देखो काफ़ी बढ़िया वाले सोफे लगे हुए हैं देखो और सामने यहाँ टी भी लगा हुआ है तो मस्त यहाँ पे बैठ के टी भी देख सकते हैं और यहाँ पे कुछ सामान रख सकते हैं मस्त अपना तो अब आपको दिखाता अपना मेन रूम जिसका आपको इंतजार था ये वाला रूम है ये देखो भाई यहाँ पे है गोल बेड कितना प्यारा लग रहा है सामने यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है यहां पे भी स्पेस है और बेड के यहाँ भी स्पेस है ये देखो इसमें सामान रख सकते हैं इसमें सामान रख सकते हैं मोर पंख रखे हुए हैं यहां पे बेड के ऊपर वाले एरिया में यहाँ पे स्पेस है पूरा और क्यूट क्यूट से चार पांच टेडी बियर रखे हुए हैं देखो और लेफ्ट में दिखाता हूँ आपको Left में यहां बैठने का एरिया कोई भी आता बिठा सकता हूँ बिठा सकता हूँ यहाँ सा। मेरे सारे कपड़े आ जाएंगे, देखो यहाँ भी और यहाँ भी ऊपर भी सामान आ जाएगा मतलब चारों साइड यहाँ पे स्टोरेज ही स्टोरेज है तो मस्त मेरे सारे कपड़े आ जाएंगे मतलब ऐसे हमारा अभी नया घर बन तो रहा है बट उसको बनने में भी एक डेढ़ साल और लगेगा तब तक मैं यहाँ रह सकता हूँ भाई जब मैंने पहली बार ये रूम देखा ना मुझे इतना पसंद आया इतना क्यूट लगा कि मैंने कहा यार ये तो ले लेते हैं ये तो बहुत बहुत मस्त है देखो तो सही भाई पीछे इतना क्यूट सा लग रहा है और रूम का जो कलर है ना वो भी बहुत क्यूट सा है देखो और इसका वॉशरूम दिखाता हूँ ये देखो भाई ये भी कितना मस्त है बड़ा शीशा लगा हुआ है यहाँ पे यहाँ पे सीट है और स्टीम बाथ भी है यहाँ पे देखो ये देखो स्टीम बाथ भी है यहाँ पे पानी पानी गर्म पूरा सिस्टम लगा हुआ है इसमें

इसके अंदर भी ऑफ कर रखी है हमने गई यहाँ पे फैन भी लगा हुआ है देखो स्पीड बढ़ गई इसकी चेंज करते हुए ना हवा चाहिए तो उसके लिए आ सच्ची बताओ कैसा लगा आपको अच्छा लगा ये देखो ये मैं ये भी जलता है इसके अंदर बलब, बलब है गई वैसे मेरा ऐसे कोई प्लान नहीं था स्टूडियो लेने का बट जब मैंने घर देखा ना भाई तो मेरे को इतना पसंद आया और उनको बेचना भी था तो इन्वेस्टमेंट के लिए और अपने गेस्ट के लिए और एक प्राइवेसी के लिए घर के तो ये मुझे अच्छा लगा कि भाई इन्वेस्टमेंट भी सही है ना गाड़ी वाड़ी लेने से बढ़िया है तो इसीलिए कि पूरा का पूरा एरिया हमने ले लिया चलो अपना रूम मैंने आपको दिखा दिया बाहर जाते ही देखो ये वाला एरिया है सोफ़े वाला और यहाँ पे बनाऊंगा मैं अपना स्टूडियो जो ये वाला रूम है ना यहाँ पे भी देखो जिम का सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे पूरी टेबल आएगी मस्त यहाँ पे पूरा स्टूडियो बना हुआ यहाँ पे टीवी लगा हुआ देखो अलमीराज यहाँ भी है देखो जिम भी कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है तो ऊपर सिर्फ दो ही रूम है एक रूम ये और एक रूम वो एक और मस्त चीज दिखाता दू जो कि हमारी यूज की नहीं है यहाँ पे बार भी है भाई ये जो एरिया ना ये पूरा बार का एरिया तो इसको मैं अपना स्टूडियो का ही कुछ बना दूंगा ये देखो भाई ग्लास व्लास रखे हैं यहाँ पे ये सब हटा देंगे यहाँ से कुछ बनाएंगे करना, करना तो और इतनी सारे स्टोरेज के लिए सोफा भी लगा हुआ है सब कुछ मतलब कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है तो अब आप लोग सजेस्ट करना कि हमको स्टूडियो में क्या क्या करना चाहिए क्या क्या रखना चाहिए और क्या क्या हम और चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ये सोफे घूमने वाले सोफे है

और अभी घर बनने में हमारा एक डेढ़ साल और लगेगा ना, ना। इसलिए हमने सोचा कि अब बिक रहा है तो ले लेना चाहिए बिकॉज इन्वेस्टमेंट भी सही है ना कहीं नई नई गाड़ी लेने से तो बढ़िया है मैं मम्मी के लिए गाड़ी लेने वाला था वैसे मम्मी के लिए आप लोगों को पता होगा मैं एक मे बैक देख रहा था बट ये इन्वेस्टमेंट है ये आगे बढ़ेगा मतलब एक साल बाद दो साल बाद इसके रेट बढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बढ़िया लगा इसीलिए देखो मम्मी खुश भी है क्योंकि अभी जिस घर में हम रहते हैं ना उसमें सिर्फ तीन रूम है तो अगर कोई गेस्ट आता है ना और हम ऑलरेडी दस लोग रहते हैं एक तीन रूम में हम दस लोग रहते हैं कैसे जस्ट करते हैं सोच सकते हो आप तीन रूम में दस लोग तो अब यहाँ भी रह सकते हैं गेस्ट आएंगे तो भी यहाँ रह सकते हैं और यहाँ बुला भी सकते हैं और घर वालों को प्राइवेसी मिल जाएगी तो बहुत सारे रीज़न थे घर लेने के और बाकी नया तो बन ही रहा है वो भी एक डेढ़ साल और लगेगा क्योंकि बहुत काम है अभी उसमें बहुत ज्यादा तो भी थोड़ी बहुत उनको शॉपिंग करनी है जैसे कि इसके लिए चादर वर खरीदने बिकॉज ये जो ये चादर है पुराने पुराने हैं ना जो पहले रहते थे यहाँ पे उनके तो हम थोड़े नए वाले बिछा देंगे यहाँ पे भाई यहाँ हर रूम में टीवी लगा हुआ है हर रूम में ए लगा हुआ है हर रूम में वॉशरूम है हर रूम में अलमीराज है सब कुछ अवेलेबल है इसीलिए भाई मेरे को देखते ही बहुत पसंद आ गया था मैंने मम्मी से बोला गाड़ी कैंसिल करते हैं अभी के लिए अभी के लिए ये घर मिल रहा है सही रहेगा और सॉरी गाइज़ काफ़ी सारी चीज़ें मैं इस घर की आपको नहीं दिखा रहा हूँ प्राइवेसी के लिए जैसे कि मैं आपको बाहर से नहीं दिखा रहा हूँ कहाँ पे है किस तरह से है मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको अंदर से रूम दिखाया मैंने कहाँ स्टूडियो बना किस तरह से किचन सिर्फ अंदर से दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ी प्राइवेसी रहे और बाहर भीड़ ना लगे बिकॉज ऑलरेडी उस वाले घर के बाहर भीड़ लगे तो पड़ोसी को दिक्कत होती है तो यहाँ भी वो दिक्कत ना हो तो गाइज़ प्लीज़ समझना सॉरी गाइस मैं सिर्फ अंदर से दिखा सकता हूँ आपको सॉरी होपफुली लोग समझेंगे सही बात तो गाइस जो भी है सिर्फ आप लोगों की वजह से आप लोग वैसे ही पॉसिबल हो पाए आप लोग वैसे नया घर बन रहा है जो भी है मेरी लाइफ में सर आप लोग वैसे थैंक यू सो मच फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ आई होप आपको मेरा न्यू स्टूडियो मेरा न्यू घर सब कुछ पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना मिलता गाइस गाइज नेक्स्ट ने 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 ब्लॉग में जल्दी शिफ्ट जाऊँगा बस यहाँ पे मैं दो दिन में जल्दी साफ सफाई करके सब कुछ जो बेसिक चीज़ें लेनी है ना वो लेके बस मुझे सामान डालना है यहाँ पर अपना सारा कपड़े वपड़े रखना है बस और जो अपना सामान है अपना गैजेट वेजेट वो रख लें बस तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय तो भी गईज मैं अपना आज वाला व्लॉग एडिट कर रहा था न्यू रूम वाला और देखो कहाँ बैठा हूँ मतलब छः सात साल से मैं इस छोटे से बेड पे बैठ के रोज एडिट कर रहा था यहीं पे सो रहा था इसमें मेरे पैर भी पूरे नहीं आ पाते और ये तकिया इस तकिए को सहारा लेके तो अब फाइनली चेंज होने वाला है पूरे सात साल के बाद मैं रूम चेंज होने वाला है बेड भी चेंज होने वाला है आई थिंक ये मैं पीयूष को दे दूँगा लेकिन हाँ बहुत यादें जुड़ी हैं छः सात साल से भाई डेली एडिट करना मतलब अराउंड मैंने दो हज़ार वीडियोज़ एडिट करी हैं इसके ऊपर बैठ के और यहीं पर सोया हूँ मैं